नमस्कार दोस्तों, जिस देश ने भारत पर लगभग 190 साल तक शासन किया, आज उसी देश पर एक भारतीय का शासन होने जा रहा है। दोस्तों, दिवाली भारत में थी, लेकिन असली धमाका इंग्लैंड में हुआ है, जहां पर भारतवंशी ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री बनकर एक अलग ही इतिहास रच दिया है। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ऋषि सुनक है कौन और वो यूके कैसे जा पहुंचे, और इसी के साथ उनकी संपत्ति भी एक बहुत ही बड़ा आकर्षण का केंद्र रही है, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और दोस्तों, इसी के साथ उनके राजनीतिक में उतरने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के सफर के बारे में भी आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को याद से प्रेस कर लीजिएगा। An Oxford University and Stanford graduate, Rishi was born in UK's Southampton area to an Indian family. And what the new Prime Minister warned the British people today. Our foreign correspondent James Longman in London tonight. Today, Rishi Sunak officially became Great Britain's Prime Minister for this week. Sunak became the first prominent British politician, at the time Chancellor, to have entered UK's wealthiest people's list. चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ऋषि सुनक है कौन। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ब्रिटेन में पहली बार किसी भारतीय मूल के नागरिक ने प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि यूके के नए प्रधानमंत्री अब ऋषि सुनक बनेंगे। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि ऋषि सुनक की फिलहाल उम्र है 42 वर्ष, और दोस्तों 42 वर्षीय ऋषि सुनक ने यहाँ पर इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति के संग शादी की है। बात करें उनके पिता के बारे में, तो दोस्तों उनके पिता का नाम है यशवीर सुनक, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में एक सामान्य चिकित्सक हैं। बात करें उनकी माता की, तो दोस्तों की माता जी का नाम है उषा सुनक, जो कि एक सामान्य केमिस्ट शॉप चलाया करती थी। और बचपन में दोस्तों यहाँ पर ऋषि सुनक भी अपनी माता की मदद किया करते थे, हाथ बटाया करते थे। दोस्तों चलिए बात करते हैं ऋषि सुनक की शिक्षा के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऋषि सुनक ने यहाँ पर मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इसी के साथ स्टैनफोर्ड जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की है। दोस्तों उन्होंने अपने माता पिता के बारे में बताया कि मैंने अपने माता पिता को पूरे संपन्न भावना से लोगों की सेवा करते हुए देखा है, और मैं उन्हीं की छत्र छाया में ही बड़ा हुआ हूं। दोस्तों यहां पर न केवल राजनीति में बल्कि इसी के साथ साथ उनको खेल में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, और इसी के साथ उनके फेवरेट गेम्स में फुटबॉल और क्रिकेट शामिल होते हैं। और दोस्तों इसी के साथ गेम्स के साथ साथ ही उनको यहां पर मूवीज का भी काफी अच्छा शौक है। दोस्तों ऋषि सुनक ने न केवल अपने माता पिता के बारे में बल्कि अपने बारे में भी खुद बताया है कि वो अपनी शिक्षा के दौरान कई देशों में रह चुके हैं और उन्हें काम करने के भी काफी सारे अवसर मिले हैं। और दोस्तों इसी के साथ उन्होंने बताया कि वो कैलिफोर्निया के अंदर ही अपनी पत्नी अक्षता से मिले थे, और वो अपने घर वापस जाने से पहले अपनी पत्नी के संग कई साल तक रहे भी थे, और उनकी दो बेटियां भी हैं जिनके नाम है कृष्णा और अनुष्का। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही उनको काफी ज्यादा बिजी रखती हैं, जो कि उनके लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान है। तो चलिए दोस्तों, अब इस पे बात करते हैं कि आखिरकार वो भारतवंशी है, तो आखिरकार वो यूके कैसे पहुंच गए। तो दोस्तों इसके लिए हमें कुछ पास्ट में जाना पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर ऋषि सुनक के दादाजी का नाम था रामदास सुनक, और उनकी दादी जी का नाम था यहाँ पर सुहाग रानी सुनक। दोस्तों आपको बता दें कि दोनों ही काफी पढ़े लिखे परिवार से संबंध रखते थे, और वो भारत के जालंधर के निवासी थे। सन 1935 में रामदास सुनक को केन्या के नारोबी शहर में कलर की नौकरी मिल गई, और उन्होंने तुरंत ही एक वन वे यहाँ पर पानी का जहाज का टिकट कराया, और वो तुरंत यहाँ पर नारोबी पहुंच भी गए। सन 1937 में यानी 2 साल बाद उनकी दादी जी भी केन्या पहुंच गई थी। इनके 6 बच्चे हुए, जिनमें की 3 लड़कियां और 3 लड़के थे, और इन्हीं में से एक थे यशवीर सुनक, जो कि ऋषि सुनक के पिता है, और इसी कारण यहाँ पर ऋषि सुनक भी एक भारत वंशज ही कहलाएंगे। दोस्तों भले ही रामदास सुनक भारत को छोड़ चुके थे, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से अपना रिश्ता भारत से नहीं तोड़ा था, और आज भी सुनक खानदान जो है भारत को ही अपनी मातृभूमि बताता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट के बारे में, जो कि है यहाँ पर ऋषि सुनक की संपत्ति। दोस्तों यहाँ पर ब्रिटेन की राजनीति में बहुत ही तेज गति से उभरने वाले ऋषि सुनक एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी का भी शिकार हुए थे। दोस्तों यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी थी उनकी संपत्ति को लेकर। दोस्तों यहाँ पर ब्रिटिश मीडिया में इस चीज को लेकर काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता सुनक की टोटल जो संपत्ति है वो दोस्तों है 750 मिलियन पाउंड की, और दोस्तों ये इंडियन करेंसी के मुताबिक टोटल हुआ 7,500 करोड़ रुपए।
दोस्तों सुनने में कितनी बड़ी रकम लगती है ना। लेकिन दोस्तों इसी के साथ आप ये भी जान लें कि इस संपत्ति के अंदर एक बड़ा हिस्सा उनकी पत्नी अक्षता सुनक का है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों अक्षता सुनक के पास इन्फोसिस के कुछ शेयर है और इसी कारण इस संपत्ति में एक बड़ा हिस्सा उनकी पत्नी होल्ड करती है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ ये एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इन दोनों की जो टोटल संपत्ति है वो दोस्तों ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ से भी ज़्यादा है। क्योंकि दोस्तों एलिजाबेथ की जो टोटल संपत्ति मानी जाती है आंकड़ों के मुताबिक वो है दोस्तों 5,000 करोड़ रुपए की। तो ऐसे में दोस्तों वैसे ही सुनक खानदान जो है यहाँ पर ब्रिटेन के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स की लिस्ट में, फैमिलीज की लिस्ट में ऐसे ही शामिल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर ऋषि सुनक के राजनीतिक सफर के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक का अब यहाँ पर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने के पीछे जो रुकावट थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और वो पहले भारतीय मूल के नागरिक होंगे जो कि यहाँ पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा इतिहास रच दिया है। दोस्तों पेनी मॉर्डेंट के पीछे हटने के बाद कंजर्वेटिव पार्टी ने ऋषि सुनक को ही अपना नेता चुना। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पहले ही यहाँ पर पीएम पद की रेस से बाहर निकल चुके थे और इनके जाने के बाद यहाँ पर ऋषि सुनक को ही प्रधानमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा था। दोस्तों रविवार को ही यहाँ पर वित्त मंत्री यहाँ पर ऋषि सुनक ने अपनी प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी की घोषणा की थी। दोस्तों सुनक को पिछली बार टोरी मतदान में हार का सामना करना पड़ा था और इसके बाद यहाँ पर यूके की जो कमान है लिज ट्रस्ट के हाथ में आई थी। हालांकि बीते दिनों में यहां पर लिज ट्रस्ट के द्वारा खुद दिए गए इस्तीफे के बाद तो सुनक की किस्मत ने एक बार फिर से पलटी मारी और उनको यहां पर यूके के नए प्रधानमंत्री पद के लिए एक सबसे बड़ा प्रबल दावेदार माना जाने लगा। दोस्तों पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 42 वर्षीय ऋषि सुनक ने यहाँ पर 357 टोरी सांसदों में यहाँ पर आधे से अधिक टोरी सांसदों का सार्वजनिक समर्थन हासिल किया है। और दोस्तों इसमें सबसे हैरान करने वाली और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद के अध्यक्ष सर ग्राहम बेडी ने यहाँ पर सांसद समिति में एक बहुत ही बड़ी हैरान कर देने वाली यहाँ पर घोषणा की कि उन्हें केवल और केवल एक ही नामांकन प्राप्त हुआ है और इसी कारण यूके के प्राइम मिनिस्टर की जो रेस हो रही है उसमें यहाँ पर ऋषि सुनक की विजेता होंगे। और ऐसे दोस्तों जिस देश ने 190 सालों तक भारत पर यहाँ पर राज किया आज उसी का एक वंशज जो है उस पूरे देश का कंट्रोल उसके हाथ में आने वाला है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपके क्या ओपिनियन नीचे कमेंट में बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को याद से प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। I should fuck her in the Benz.